अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराबोला पर। पैराबोला यानी कि परवलय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पैराबोला बनता कैसे है वो तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये आपका हो गया पैराबोला, ठीक है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा सा स्मूथली ऐसे होता है, हमने ऐसे रफली बना दिया अभी, है ना। तो ये ग्राफ हमारा होता है किसका, पैराबोला। अब पैराबोला में कुछ पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि हाँ, इसमें पॉइंट आएंगे अपने पास फोकस, फोकस हिंदी में बोलते हैं नाभि, क्या बोलते हैं, नाभि, फोकस हो गया, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इसको बोलते हैं नियता, नियता होता है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा वर्टेक्स, वर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, शीर्ष, ठीक है। एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट्स रहेंगे जो इसमें हम प्रॉपर यूज करेंगे, है ना। ये पॉइंट्स रहेंगे जो इसमें प्रॉपर यूज करेंगे, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स एंड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये डिस्टेंस पे आपका है फोकस, और यहाँ पे आपका मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका मान लो डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैराबोला होता है वो ये कहता है कि फोकस और शीर्ष के जो बीच का, यानी कि यहाँ पे पॉइंट कोई भी पॉइंट मान लो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस पैराबोला के किसी भी पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस होगा, इस फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डायरेक्ट्रिक्स और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बी ऑलवेज इक्वल, मतलब नियता और इस बिंदु का बीच की दूरी और इस बिंदु से नाभि के बीच की दूरी सदैव क्या होती है, बराबर होती है। इसे ही पैराबोला यानी कि परवलय कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने पॉइंट उठा लिया कि भाई साहब ये पॉइंट आपका क्या है, ये मान लो कोई पॉइंट है ए कामा जीरो सपोज कर लो, ये पॉइंट को हमने ए लेट कर लिया। भाई साहब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा ना, मान लो कोई फोकस, तुमने कोई पॉइंट फोकस दिया तो उसके अकॉर्डिंग अपना परवलय इक्वेशन जो बनेगा पैराबोला का वो बन जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई इक्वेशन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आएगा ना फोकस, समझ पा रहे हो। अभी तुम कुछ भी ले सकते हैं इसको, अभी तुम कुछ भी फोकस ले सकते हैं, और जब इन्हें किसी एक्सिस में लेते हैं आप कहीं भी फोकस ले सकते हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम पर्टिकुलर किसी एक एक्सिस में बात कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है। अभी हम इन फोर पोजीशन से बात करेंगे, बाकी रेंडमली आप कहीं भी फोकस ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी फोकस ले सकते हैं, आप यहाँ भी फोकस ले सकते हैं, फोकस चेंज हो सकता है, फोकस कहीं भी हो सकता है बेटा, ठीक है। लेकिन अभी हम पर्टिकुलर कहाँ पे ले रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, वो भी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये हमारा, ठीक है। अब हमने क्या कहा, यहाँ पे आपने फोकस लिया वो भी ए डिस्टेंस पर लिया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ए कमा जीरो, ठीक है। अभी हमने बताया, जस्ट अभी बताया कि इसके बीच का डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बी ऑलवेज क्या होता है बेटा, इक्वल। अगर ये हमारा ए है तो ये भी कितना होगा हमारे पास, ए ही होगा, ठीक है। तो अगर ये ए है बेटा तो निगेटिव पार्ट साइड हो, इसलिए एक्स इक्वल टू क्या बोलोगे, माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब एक्स प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, x प्लस ए इक्वल टू जीरो, ये इसकी लाइन हो गई, x प्लस ए इक्वल टू जीरो की लाइन हो गई। तो इस पे हमारा ये पॉइंट परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डिस्टेंस के सदैव इक्वल होता है, यही हमारा क्या कहता है, परवलय का इक्वेशन, ठीक है। कि भाई अगर पैराबोला आपको चाहिए तो आपको ये डिस्टेंस आपस में क्या रखनी पड़ेगी, इक्वल। तो नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे दिया P, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने M, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने O, क्या नाम दे दिया, ओ, सारी चीज़ें क्लियर हैं, सॉर्ट आउट हैं। और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने, कुछ भी नाम दे दो, एन नाम दे दो, डजन नहीं, कोई मतलब नहीं इसका। अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई पीएम इक्वल टू पीएस, पीएम इक्वल टू पीएस, ये डेफिनेशन कहती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं बहुत सारे स्क्वायर भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब पीएम निकालोगे कैसे, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये पैराबोला पर है, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने एक्स कमा वाई। क्या नाम दे दिया हमने? एक्स कमा वाई। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे पीएम? तो हमने 2D में एक पॉइंट पढ़ाया था बेटा, क्या पढ़ाया था बताते हैं। अगर ये इक्वेशन दिया जाए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, ठीक है, और एक पॉइंट दे दिया जाए आपको x1 कामा y1, और यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है p बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका? एक्स कमा वाई। इक्वेशन क्या है आपका? एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो अपने पास इक्वेशन मिला है एक्स प्लस ए, ठीक है। तो पीएम निकालने का तरीका ये है कि आप इसमें अगर रखोगे पी इक्वल टू, मतलब पीएम इक्वल टू निकालोगे यहाँ पर, तो ये है कि आपको ये इक्वेशन लिखनी है, यानी कि एक्स प्लस ए, एक्स जगह पे एक्स वाला पॉइंट रखोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वाई तो मेरे पास है भी नहीं, अपॉन ठीक क्या होता है अंडर रूट एक्स का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशियंट कितना है यहाँ पे? एक भाई, क्या है? एक, और वाई का कोई नहीं तो जीरो, तो एक का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, तो क्या बन गया एक्स प्लस ए अपॉन एक का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? एक, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? एक, कुमला के काम खत्म। तो पीएम कितना आया बेटा मेरे पास? कितना आया? एक्स प्लस ए, ठीक है, पीएम का स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। याद है, समझ में नहीं आया? आ गया। अब इक्वल टू पीएस, अब पीएस निकालना चाहते हो, अब पीएस तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर और प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, दैट मीन्स वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पी एस का स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास क्या मिल जाएगा बेटा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ तो अपने पास क्या मिलेगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, दिख रहा है बेटा, और प्लस है वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और माइनस के टू ए एक्स इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू एक्स इधर प्लस में कितना हो जाएगा? फोर ए एक्स, और आपका इक्वेशन मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। अगर कोई पैराबोला एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है और वो उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होता है, ठीक है, और उसका जो फोकस है अगर ए कमा जीरो होता है, तो उसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स बनेगा, ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। सिंपल एंड सिमिलरली अगर मैं इसको इधर पलट दूं, या मैं ऊपर वाई में लेकर चला जाऊं, या मैं ऊपर नीचे वाई में लेकर चलाऊं, तो प्रोसीजर करने का यही होगा, बस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू एक्सिस बदलती रहेंगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? डाउट बताओ। पी एम बराबर कैसे आई है ना? ये वाला जो फॉर्मूला हमने बताया था, ये वाला, कि अगर कोई लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया किसी भी पॉइंट से, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ए, ये वाला पॉइंट इसके जगह पे रखो तो ए एक्स वन प्लस, इसके जगह पे ये वाला पॉइंट रखो तो हो जाएगा बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स का जो कॉफिशियंट होगा उसका स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, वाई का कॉफिशियंट कितना है यहाँ पे? बी, यानी कि बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे अपने पास पॉइंट क्या है? एक्स कमा वाई, और ये लाइन क्या है अपने पास? एक्स प्लस ए, आपको इसी में रखना है ये वाला पॉइंट, तो जब एक्स का पे एक्स रखोगे तो कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं इसका, और प्लस ए अंडर रूट यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये लाइन ही हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका कॉफिशियंट कितना है अपने पास? यहाँ पे किसका चाहिए था? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है? एक, लिख दिया। वाई का गुणांक, अब वाई का गुणांक तो कोई है ही नहीं ना, वाई जब वाई ही नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे? जीरो, तो सीधे हमने क्या लिख दिया? जीरो लिख दिया। अब हम एक का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा? एक, जीरो के स्क्वायर कर देंगे जीरो, अब एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक, स्क्वायर रूट कर दो उसका एक, अब बटे में एक कौन लिखेगा यार, आंसर तो वही हो जाएगा ना, समझ आ गया ना। तो यहां तक किसी को और कोई समस्या बताओ, हम बता देंगे फिर से।
सबको समझ में आ गया? हाँ बेटा बोलो, तुम्हें क्या दिक्कत? एक्स बराबर क्या? एक्स बराबर माइनस ए कैसे आया ये? हाँ एक्स कैसे आया भाई साहब? हो कहाँ आप? एक्सिस में हो। ये वैल्यू किसकी है? ये एक्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एक्स की। ये लाइन किसकी खींची? एक्स पर खींची आपने। तो ये जो लाइन है बेटा इधर ओरिजिन के इधर जाते हैं माइनस में काउंट होता है। डिस्टेंस कितना मेरे पास? ए। तो एक्स की वैल्यू कितनी है ये मेरे पास? ये पॉइंट कितना है? तो एक्स इक्वल टू माइनस ए का पॉइंट है। ये लाइन किसकी है? एक्स इक्वल टू माइनस ए की लाइन है, इसलिए इसको हमने ऐसा बोला। नहीं सुन रही बात? आगे ये पॉइंट है माइनस ए और ये लाइन है एक्स इक्वल टू माइनस ए की, तो माइनस ए इधर आया, प्लस में हो गया। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, ये बेसिक है जो मैंने आपको बताया। अभी क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी एक फॉर्मूला और डेराइव करते हैं इधर से वाई एक्सिस में। रब कर दूं इसको? ठीक है, अब मेरा फिगर देखो, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में गया है, वाई एक्सिस में लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और इसका वर्टेक्स है 0,0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हम ड्रॉ कर देंगे एक पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एंड यहाँ पे एक फोकस ले लेंगे ऑन द वाई एक्सिस जो कि होगा 0,a। इसको नाम दे देंगे हम एस। चलो यहाँ पे कोई पॉइंट उठा लिया हमने, पी पॉइंट उठा लिया, तो ये बेटा हो गया आपका पीएम और ये हो गया आपका पीएस, जैसे कि अभी कराया था सेम वैसे ही पूरा सेम। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर हमारे कितना है ए, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा बेटा? ए। अभी वाई एक्सिस में तो क्या होगा? वाई इक्वल टू माइनस ए। सुना कि नहीं आ गया? वाई इक्वल टू माइनस ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो। हमें क्या चाहिए? हमें, हम लोग को जानते हैं यार, हम लोग इस पढ़ भी चुके हैं कि पी एस इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? पी एम। ये डिस्टेंस आपस में क्या होती है? इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी एस के स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ कि ये पॉइंट को अगर हमने x का मैं y लेट कर लिया तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा PM वाला? तो वैसे ही करेंगे जैसे भी किया था मैंने, तो क्या आ जाएगा? y प्लस a, सीधे ये आ जाएगा जैसे भी किया था सेम है वैसे। ठीक है, और अगर हम PS निकालेंगे तो PS क्या बनेगा बेटा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, जैसा कि अभी बताया। ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो पी एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? अंडर रूट का स्क्वायर करना है बेटा, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल दो। चलो हम ऐसे लिख देते हैं, बाद में खोल लेते हैं। पी एम का स्क्वायर कर देंगे यानी वाई प्लस ए का होल स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, खोलिए बेटा क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए वाई। यहाँ से वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। माइनस टू ए उधर जाएगा प्लस में, तो आपको हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। एग्जैक्टली क्लियर हुआ? ठीक है, सेम एज जैसे कि मैंने इसको किया, एक और बता देते हैं। अब तो क्लियर हो गया ना बेटा? भाई जो फॉर्मूला जैसे है वैसे ही रखोगे, नहीं समझे? हाँ, ये डिस्टेंस माइनस की, भैया साहब ये डिस्टेंस तो बी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बस मना, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है? माइनस में, तो वाई को टू माइनस ए ही तो लिखोगे ना आप, नहीं समझे क्या बात? डिस्टेंस पॉजिटिव ही होती है, तो हमने उसको कहाँ माइनस लिखा, देखो प्लस ही लिखा, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे क्या होता है? माइनस में होता है, इसलिए वो माइनस में लिखा जाएगा, वाई को टू माइनस है, नहीं समझ क्या बात? आगे रब कर दिया जाए। सिंपल जैसे अभी तक किया वैसे आगे भी करना है आपको। ये हमारा वर्टेक्स हो गया 0,0 हो जाएगा, इस पॉइंट को नाम दे देंगे बेटा माइनस ए कामा जीरो, भाई डायरेक्शन माइनस की है इसलिए माइनस ए कामा जीरो हो जाएगा, इसको एस बोल दो। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, पी नाम दे दो,
मिला दीजिए, एक यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर दीजिए और इसको यहाँ से डाल देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका एम। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्स कमा वाई और सिंपल इसको अप्लाई करेंगे। ये डिस्टेंस होगी प्लस ए में, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू प्लस का ए। तो प्लस का इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। अगर हम पी एम की बात करेंगे बेटा, पी एम तो मेरा पी एम कितना बनेगा, कितना बन जाएगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे पी एस की, तो पी एस कितना बन जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, जैसा कि मैंने समझाया। ठीक है, हम जानते हैं पी एम इक्वल टू क्या होता है, अपने पास पी एस होता है स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर। ठीक है, करिए पी एम का स्क्वायर, पी एम मेरे पास कितना है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर, यानी कितना, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, एंड प्लस का टू एक्स इधर आएगा माइनस में, इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का फोर ए एक्स। अगर निगेटिव डायरेक्शन में आया देखो तो माइनस आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका एक हो गया। अब एक और बचा है एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस में, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस होगी, बस उसको बता देते हैं। अच्छा, चीज़ें क्लियर हैं, एकदम इजी हैं, है ना आलोक, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ निगेटिव वाई एक्सिस में, तो जैसे अभी तक हमने किया मुझे लगता है सिमिलर ही रहने वाला है, तो बताएं कि अब समझ में आ गया, चारों अपने आप से करके लाने हैं, फिर से कर सकते हो अपने आप से, अपने आप से मतलब समझते हो, हाँ प्रैक्टिस के दौरान अपने आप से ही करो। उसके बाद अपन आते हैं, चार्ट बनाते हैं और इसको पूरे तरीके से तैयार करते हैं कि हाँ क्या क्या हमने डिस्कस कर डाला। ठीक है, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, ठीक है यहाँ एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन, इधर पॉइंट्स डालेंगे इधर अपने पास। पहला हम डिस्कस करेंगे वर्टेक्स के बारे में, ठीक है एक्सिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है डायरेक्ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या था, वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी में बोल दें, इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं अक्ष, इसको बोलते हैं नियता और इसको बोलते हैं नाभ। नाभ हाँ, नियता हाँ, नियता मैंने एक लाइन जो ड्रॉ किया था वो नियता ही तो थी, डायरेक्ट्रिक्स ही तो थी वो। ठीक है, और एक और आता है इसमें, और वो आता है, इतना हो गया। उसके बाद इसमें आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हाँ ये मैंने नहीं बताया, ये हम बता देंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप पढ़ लो, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें पहला इक्वेशन की बात कर लेते हैं, पहला इक्वेशन अपना होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, दूसरा इक्वेशन मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, तीसरा इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, एंड चौथा इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। ठीक है, ये चार इक्वेशन अपने पास हो गए। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, इसमें इधर बेटा ध्यान दो, ठीक है अगर हम इसमें बात करें तो वर्टेक्स, चाहे चारों मैंने वर्टेक्स में क्या बताया था, जीरो कमा जीरो ही बताया था, यानी सभी के वर्टेक्स क्या है बेटा, जीरो कमा जीरो। ठीक है, एक्सिस पता करना बड़ा आसान है, तरीका ये बताता हूँ, जिसकी पावर इवन है, जैसे मान लो वाई की पावर इवन है तो एक्स एक्सिस, अगर एक्स की पावर इवन है तो वाई एक्सिस, पावर किसकी इवन है, वाई की, तो कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, एंड डायरेक्शन प्लस है तो यहाँ प्लस लिखाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर एक्स पावर इवन है तो वाई एक्सिस,
तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्सिस, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस वाई एक्सिस। तो ये तो क्लियर हो गया आपको ना, डन। डायरेक्ट्रिक्स कैसे बता रहे हैं हम लोग, अगर प्लस में हो तो हमने, आपने देखा होगा कि प्लस में हमने ऐसे देखा था किधर चीज़ें माइनस में देखी थी, माइनस देखने के बाद अगर माइनस किधर लेकर आए तो क्या हुआ था, प्लस में, तो हो जाएगा एक्स प्लस ए। इसमें क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए था, इसमें क्या था वाई प्लस ए, इसमें क्या था वाई माइनस ए, ठीक है, ये हुआ था। फोकस में हमने क्या लिखा था कि अगर प्लस में है तो प्लस वाला लिखेंगे, यानी ए कामा जीरो, यहाँ पे क्या होने वाला है माइनस ए कामा जीरो, यहाँ पे क्या होने वाला है जीरो कामा ए, और यहाँ पे क्या होगा जीरो कामा माइनस ए, ठीक है। इनको याद करना है सब कुछ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में हमेशा फोर ए होता है सभी के लिए, कितना होता है फोर ए, इसको याद रखो फोर ए होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका फोकस है तो इसको बोलते हैं, ये जो लेंथ होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यानी हिंदी में बोलते हैं नाभिलंब की लंबाई। तो बस ये लंबाई जो होती है आपकी, जो होती है होती है फोर ए, कितनी होती है फोर ए। अब डिराइव नहीं करेंगे, समझ में आ गया होगा, इतना याद कर लो, सीधे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे इस पर ना, दिमाग में डाल लो, है ना, भले नोट ना करो लेकिन दिमाग में जरूर डाल लो। कंप्लीट हो गया। मान लीजिए हम वर्टेक्स को चेंज कर दें, वर्टेक्स को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, जैसा कि अभी हमने चर्चा भी किया कि वर्टेक्स चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है हर जगह हम ओरिजिन ही लें। इस इक्वेशन पर्टिकुलर इस इक्वेशन के लिए तो ओरिजिन ही रहने वाला है, पर्टिकुलर इस इक्वेशन के लिए क्या रहने वाला है ओरिजिन। बट अगर हम चेंज कर दें फॉर्म, हम वर्टेक्स को जीरो कमा जीरो ना लेकर एच कमा के ले लें, ठीक है, तो देखो क्या क्या चेंजेस होने वाली हैं। अगर हम यहाँ पे एच कमा के बोल देते हैं बेटा, ये एच हो जाता है, ये के हो जाता है, ये एच हो जाता है, ये क्या हो जाता है के। अगर हम एच कमा के ले लेते हैं तो देखो प्रॉब्लम क्या आने वाली है अपने फॉर्मूले में, वो समझना है। तो जहाँ सिंपल वाई होता था अब वहाँ चलेगा वाई माइनस के, ये वाई के लिए वाई माइनस के, और जहाँ एक्स होता था वहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो जहाँ y होता था वहाँ क्या हो जाएगा बेटा, देखो y रिप्लेस हो जाएगा y माइनस k में, और x रिप्लेस हो जाएगा x माइनस h में। तो देखो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स माइनस h का, यस है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा आपका x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई माइनस के। बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सबको रिप्लेस हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे x माइनस एच, तो हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई माइनस के। यहाँ तक की कहानी में कोई डाउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज होगा, एक्सिस तो कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे x माइनस एच, हो जाएगा x माइनस एच, ठीक है, जहाँ x वहाँ क्या लिखेंगे x माइनस एच, y की जगह पे y माइनस के, y की जगह पे y माइनस के, कोई दिक्कत। ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू क्या है a, देखो ध्यान से, ये x इक्वल टू a है। अब x के रिप्लेस क्या हो रहा है x माइनस एच, तो हो जाएगा x माइनस एच इज इक्वल टू ए। बताओ x बराबर क्या आएगा, a प्लस एच, x बराबर क्या आएगा a प्लस एच। तो यानी यहाँ पे जो नया फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा a प्लस एच। अब देखो ये y इक्वल टू जीरो था, y इक्वल टू जीरो, y की रिप्लेस वैल्यू क्या है y माइनस के, इसका मतलब y माइनस के इज इक्वल टू जीरो, माइनस इधर जाएगा बेटा प्लस में, इसका मतलब ये y की जगह पे जीरो जगह पे आ जाएगा k। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा एच माइनस ए और यहाँ पे आ जाएगा आपका के, यहाँ पे आ जाएगा आपका एच और यहाँ पे क्या आ जाएगा के प्लस ए। लॉजिक क्लियर हो रहे ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका एच और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका के माइनस ए। चेंजेस समझ में आ रहा है, पूरे फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा कुछ इस टाइप से। दिमाग और कॉपी दोनों में नोट होना चाहिए। अरे वो तो डिस्टेंस है यार, वो लेंथ फिक्स, ए के अकॉर्डिंग तो अपने वैल्यू, भाई ए थोड़ी चेंज हुआ ना, तो ए थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये फोर ए रहेगा। लेटेस्ट ये जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है इसमें कोई चेंज नहीं होगा हमारा, ये यही रहेगा। नोट हुआ, इसको याद कर लो आप लोग, है ना, क्वेश्चन में तभी मजा आएगी।
रब कर दूं, एक लास्ट पॉइंट और बचा, अगर ये बता दिया तो थ्योरी कंप्लीट आज ही, उसके बाद फिर सीधे चलेंगे क्या क्वेश्चन। फोकस मतलब क्या होता है नाभि, ये मान लो दिया गया तुम्हें अल्फा एंड बीटा, क्या दिया गया अल्फा एंड बीटा, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया गया, डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया गया बेटा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी, ठीक है इक्वल टू जीरो मान लो है, ऐसे रहें दो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया गया, समझ पा रहे हो। तो तुमसे क्वेश्चन बोल रहा है नियता का समीकरण बराबर जीरो भी दे, कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट्रिक्स ऐसे ले रहे हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है, हमारे पास क्या है फोकस यानी नाभि है, इक्वल टू जीरो ऐसे देगा, ऐसे देगा। तो अब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि हाँ इक्वेशन निकालो पैराबोला का, तो कैसे निकालोगे इक्वेशन निकालो पैराबोला कैसे निकालोगे। अगर हम इसको ड्रा करें एक्चुअली में तो ये कैसा दिखेगा हमें, मान लो ऐसे रेंडमली, ठीक है यहाँ पे कहीं इसका वर्टेक्स बनेगा, यहाँ पे कहीं इसका मान लो फोकस है एस, ठीक है ये मान लो इसका फोकस है एक्स, ये मान लो इसका लाइन हो गया, जो लाइन इक्वेशन दिया गया वो क्या हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की लाइन दिया गया। अब ये हमारा पी पॉइंट बनेगा, पी हमारा बनेगा एक्स कामा वाई, फोकस तुम्हें दिया गया अल्फा कामा बीटा, और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आपको पता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आपस में क्या होता है इक्वल डिस्टेंस में, सीधे उसी को अप्लाई करेंगे बेटा आंसर आ जाएगा। तो क्या अप्लाई कर देंगे इधर, तो हो जाएगा x माइनस बोलो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे बेटा। अभी हमने बताया था क्या होता है a, और जिस पॉइंट पे आप अप्लाई कर रहे हो तो इस पॉइंट से अप्लाई करें तो क्या रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी लिखा था मैंने, और क्योंकि मैं स्क्वायर कर रहा हूँ सीधे तो अनुरूढ़ हट जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर है। उसी से बनाया जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे थे, सेम वैसे ही। हाँ बेटा, हाँ परवलय का समीकरण इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आज क्वेश्चन तो कराएंगे नहीं, आज थ्योरी कंप्लीट हो गई है ना, आप चाहो तो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन लग जाएंगे आपसे सीधे। जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल की बात कर लें, अगर आप क्वेश्चन ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना। लेकिन क्वेश्चन ऐसे मान लो आ गया वाई इक्वल टू मान लो फोर एक्स आ गया, क्या आ गया फोर ए एक्स, या सिंपली हमने बोल दिया कि ट्वेल्व एक्स आ गया, मान लो ट्वेल्व एक्स आ गया, हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा वर्टेक्स निकालो, हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा फोकस निकालो, है ना, हमसे पूछ लेगा नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे। तो पहला काम है आप कंपेरिजन करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए से कंपेरिजन कर लेंगे, तो फोर ए की वैल्यू कितनी है बेटा 12, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, क्या जाएगी 3। अब तो फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, फोकस का होता है बेटा ए कामा जीरो, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो हो जाएगा आंसर 3,0। अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लें बेटा डायरेक्ट्रिक्स, तो वो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास x प्लस ए, है ना, x प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो बताओ x प्लस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपका। अगर तुम्हें यहाँ पे निकालना है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो उसका जो फॉर्मूला होता है कितना होता है 4a, तो 4a की वैल्यू कितनी थी 12, सीधे आपका आंसर। तो क्वेश्चन आसान होने वाले हैं, चाहे जैसे क्वेश्चन उठाऊंगा क्वेश्चन जितने मैंने थ्योरी बता दी उसी से मिलेंगे, है ना, थोड़ा बहुत इसी में ऊपर नीचे करते हैं तो हम समझा देंगे तुम्हें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लॉजिक क्लियर हो रहा है ना। तो कल इसी पे हम चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही रखो। एक्स का कोफिशियंट जो होता है वो 4a के बराबर होता है ना, तो a से यहाँ से निकाल लेंगे a, और आपका आ जाएगा, आप तो सी कर चुके हो ना।